गाजियाबाद की सर्विलांस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 111 मोबाइल फोन को बरामद किया है। अब इसे पुलिस फोन के असली मालिक को बुलाकर ऊंचे देगी। इस मौके पर सहारा समय संवाददाता दीपक कुमार ने एसपी क्राइम दीक्षा शर्मा से खास बातचीत की। गाजियाबाद पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब पुलिस ने सैकड़ों ऐसे मोबाइल बरामद किए हैं, या तो चोरी हो गए थे या गुम हो गए थे। देश के अलग अलग राज्यों में वो रन कर रहे थे और जो पूरी जो टीम बनाकर गाजियाबाद पुलिस ने उनको बरामद किया है। हमसे बात करने के लिए एसपी क्राइम दीक्षा शर्मा जी है। मैम, किस प्रकार से आपने इन मोबाइल को बरामद किया है और किस प्रकार से ये चोरी या गायब हुए थे, और आपको पता कैसे लगा था कि देश के अलग अलग राज्य में ये मोबाइल रन कर रहे हैं? एसएसपी सर के निर्देशन में हमने सर्विलांस सेल की एक टीम गठित की थी, जिनका काम को ये उनको ये काम सौंपा गया था कि आप पूरा डेटा निकालिए जनपद से, कितने मोबाइल ऐसे हैं जो चोरी हो गए हैं, गुम हो गए हैं, किसी कारण से खो गए हैं। उन्होंने पूरा 1.5 साल का डेटा निकाला, उसमें 983 के आसपास फोन थे, नंबर्स थे। IMI उनको रन कराया, उसमें से 283 के आसपास चलते हुए पाए गए, उनमें से 111 को हमने बरामद कर लिया। इसके अलावा स्नैचिंग वाले जो मोबाइल है उनकी भी आप लोग प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि घटनाएं काफ़ी हुई है बीते दिनों में, वो भी बरामद हुए हैं मोबाइल, और साथ ही जिन लोगों के मोबाइल खोए हैं या चोरी हुए हैं आप लोगों ने उनको दिए भी हैं बुलाकर। चोरी हुए वाले मोबाइल्स के लिए भी हमने डेटा पूरा इकट्ठा कर लिया है, उस पर सर्विलांस टीम में जितने नंबर चल रहे हैं अब वो टीमें एक्टिव करा के हम उनको थानों से भी संपर्क करके उन फोन की भी बरामदगी हम जल्द कराएंगे। और इसमें हमको जो 111 मोबाइल रिकवर हुए हैं उनमें से 70 या 80 लोगों को हम पता कर पाए हैं कि कौन है, और 40 से 60 लोगों ने अपने फ़ोन हमसे रिसीव भी कर लिए हैं। बरामद मोबाइलों की जो कीमत है वो कितनी आंकी गई है आप लोगों के द्वारा? फ़ोन सारे बहुत ही अच्छी कंडीशन में हैं और ये सारे 111 फ़ोनों की कीमत लगभग 25 लाख के आसपास है। देश के किन किन इलाकों में जो पुलिस है आप लोगों की टीम जो गई थी उन मोबाइल को बरामद करने के लिए? ये हमारा एक पहला स्टेप था, इसमें हमने अभी अपना NCR का रीजन कवर किया था। मेनली तो हमारे